नमस्कार मत सहित अपूर्व मतर आज विषय वस्तु रही प्रमाण नष्टर प्रमाण एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला को अढ़े मास पूरला किंतु एपर्यंत जो ढंग से तदंत होगा कथा से ही ढंग से तदंत होना बोली बारंबार परिवार लोके अभियोग कर यार भितर जहाँ चांचल्यकर भिड आगे जो थे देखा दे कि भाव प्रमाण नष्ट उद्यम कर प्रमाण अर्ग सातरे लगी जे के भाव जो क्वार्टर में एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु होता से ही क्वार्टर में पशी पारलाखेमुंडी आईआईसी पशी विवेकानंद स्वाई एवं तत्सहित ओ आई सी गुरांडी थाना ममता पंडा जहाँ मामला सहित कौन सी ऋण देण ना जहाँ थाना परिसर सौम्यरंजन महापात्र मृत्युस्थल बहुत दूर से कौन पर आसते ताकू आरंभ दिन चर्चा रही जदिव सफे आसी जेहेतु विद्याभारती संपर्क जनाशुना तेणु एभली असमय साई समबेदना जनवाई से ढड़ा होते विद्याभारती सहित कि बड़ प्रश्न जे जदि समबेदना जनवाक ढड़ा होते तेरे तदंत बेले ममता पंडा कौन करुते क्वार्टर्स कौन पे पहुँची थे ममता पंडा क्यों कारणपाई ता सहित पूर्व बाटे आंबुलांस अटकईबार संगीन अभोग आसी पुणी बद आई सी ममता पंडा और आईआईसी विवेकानंद स्वाई जो भाव सौम्य मृत्यु मामलें एपर्यंत तदंत ठीक बाटे जाऊना बोली पर लोके बारंबार अभियोग करने कोर्टे मामला पहुंची आपटे भिड सामना को आसवापुर बड़ प्रश्न जो ममता पंडा सेठी करुले कौन एवं कौन कम विवेकानंद स्वाई कौन कम दुई प्रश्न सामना को आसूम मृत्यु मामला को आहरी रहस्य भितर को टाणी ने अभिराम महापात्र जेकि सौम्यों बापा जो बारंबार अभियोग कर प्रथम गजपति पुलिस ठीक भाव तदंत कला जो बाटे तदंत करता से बाटे तदंत करना क्राइमब्रांच को दिगला ये दायित्व तदंतर दायित्व किंतु क्राइमब्रांच ठीक भाव तदंत कला जहाँ परिवार लोके असंतोष प्रकाश करने सीबीआई तदंत दाबी करवल केन्द्रीय तदंत ब्यूरो तदंत संस्था ही घटनार पर्दाफाश कर सौम्यों पर तरफ दाबी कर प्रमाण नंबर दुई आम आपे पहुँचाऊ जो ओ आई सी ममता पंडा किभली भाव बाटर आंबुलांस कटकई जितेबाद आंबुलांस 80-90% पड़ जा जड़े व्यक्ति हस्पिटाल को जाते क्यों आधार बाटर अटकई ममता पंडा आते समय धरी अटकई रखा पचर कौन कारण होता पारे उद्देश्यमूलक भाव अटकई कि जेहेतु सौम्यरंजन महापात्र एत परिमाण में पड़ जाते हस्पिटाल स्थानांतर कर एवं ता पूर्व किसी समय बाटर अटकई गुरुतर जदि थे जदि बंची थे क्योंटिना क्यों आहरी अवस्था संगीन होभली अनेक चर्चा लोकलोचन हो ममता पंडा जे कि गुरांडी थानार ओ आई सी से क्योंभली परिस्थिति रे पहुँचले हस्पिटाल कौन पे आंबुलांस को अटकाले आ प्रमाण नंबर थ्री हूँ हस्पिटाल पहुँची थे ममता पंडा जदि दूर संपर्क जदि विद्याभारती पर सहित चिन्ह परिचय अच्छी ताले समबेदना जनवाक नहीं कहीं अस्वीकार करेंगे ना अराजी हे ना जे दुख समय जन को संवेदना जनवर आवश्यकता रही किंतु कौन पर हस्पिटाल पहुँचले कौन पर से क्वार्टर में पहुँची थे प्रमाण नष्ट कर अभियोग आरार लोक कौन पर आंबुलांस को अटकई तमाम प्रश्न सामना को आसूँ आ ममता राणी पंडा जे कि गुरांडी थानार ओ आई सी से संदेह घेर को बारंबार आसुंच मानस चांद वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित अच्छा अधिक आलोचना श्रीयुक्त चांद आपन को स्वागत करुच्ची आलोचना को घटना को 75 अधिक दिन बीतला किंतु एपर्यंत परिवार न्याय पाइबा तो दूर कथा किंतु प्रमाण नष्ट करिबार जो संगीन अभियोग आसुची तहार प्रमाण मध्य सामना को आसी ए पूरा घटना को आपन एपर्यंत केभली अनुशीलन करुछंती घटनार प्रथम रु जना पड़ी अदृश्य शक्ति तो इंगित पुलिस लोकल पुलिस हो क्राइम ब्रांच काम कर जो परिवार वर्ग सन्देह करते निश्चित कह गोटे इंटरफेरेंस अच्छी कह गोटे चापरे इन्वेस्टिगेशन होउछि बोले आ चापरे होउछि बोले आपन को लागुछि आपन को दीर्घ आईएनजीबी कैरियर रहिछि आईएन रो कैरियर देखो प्रथम कथा होछि जेते बेले एई जो पर्टिकुलर इशू रे तांकर जो स्त्री अछन्ती तांकर एगेंस्ट अभियोग आसुछि जे कि से जने साधारण महिला तांकर एगेंस्ट से विशेष स्थिति माने तांकर चापरो वित्तीय परिणाम प्रभावशाली हो नपे इन्वेस्टिगेशन को एम्पर कला भाया टेम्परिंग दिया भाया किंतु जो प्रशासनिक अधिक भारतीय प्रशासन मानते फरेस्ट अफिसर जो अच्छा सांगे जो पुलिस लोकल पुलिस अधिकारी निश्चित हाथ अच्छी कहना जड़े रोगी जिते दरकार तुरंत
ट्रीटमेंट दरकार रखी जाऊँगी हस्पिटाल गला बाटे जाणी जिते जल्दी ट्रीटमेंट दिया हूं लाइफ बंजाई पारे तेणु से जो पुलिस अधिकारी जो अच्छा जो फरेस्ट अफिसील हायर अफिसील अच्छा प्लस किसी आपण मीडिया जमा पड़ती किसी राजनीतिक व्यक्ति इनको प्रचंड हाथ खेल निश्चित मानते सन्देह को दृढ़ीभूत से हाथ थी पारे सुक्त मानस चांद यह जानवाक चाहिए घटना को 75 दिन बीतला किंतु एपर्यंत तदंत जो ढंग से चली जो दिग को नहीं तदंत कर जन आईनजीवी हिसाब से आपड़े संतुष्ट निश्चित भाव नुह कारण देखो प्रथम कथा जो पड़ा इश्यू देखा गोटे हटात गोटे घर भितर स्त्री स्वामी स्त्री थे स्वामी को 95% बन जो आसा स्त्री जान ना स्त्री कौन इनवल्वमेंट बंचाई से जो पर्टिकुलर जो जो पर्टिकुलर रूम रे नया धुआ किसी ना पाखापाखी जो भात पत पड़ जाए केवल खाली जो स्वामी कह जो डाइंग डिक्लेरेशन था पेपर में निया लगला बेलू के पर्याय पड़ो ना तो निश्चित कौन दहनशील पदार्थ इनफ्लुएंस जिन आसने लाइन आसानी तापर पुलिस निकटस्थ हस्पिटा हस्पिटा न नहीं कि पारालासमु ब्रह्मपुर न नहीं सीधा अणाला कटक कटक रखाला डाइन डिक्लेरेशन रेकर्ड कला से अन्य पुलिस अफिसर थे डाइन डिक्लेरेशन मेल खाऊ ना कहना देहर जो बड़ी इंजुरी अच्छी डॉक्टर रिपोर्ट अच्छी 95% बन इंजुरी जन लोक डाइन डिक्लेरेशन दे पारे ना तापर स्वामी स्त्री जो आसा पदा को आसा स्त्री किसी मानने इलिसिट रिलेशनशिप अन्य अभोगटा आसला और परवर्त अवस्था से जो जदिव पचरा गला पुलिस पुलिस लोकाल पुलिस क्राइमब्रांच पचारा जो थे रोसेया और से जो फरेस्ट अफिशियाल को पचरा गला पुलिस अफिसर को पचरा गला कि सर्वशेष में जोटा कि प्रथम आरंभ कराया कथा जो ब्लड डिटेक्टर टेस्टा शेष में कराला तमाम किसी और मेटेरियाल नाई बोली क्लोज कराला बर्तन से जमा पड़ी जो बर्तन जाए एविडेंस सब निश्चित किसी बाहरी ना जो थाना एक्सक्लूजन किंतु जदि देखा जाए जो तालमेल है ना स्टेटमेंटा वाइफ को ना आलिगेसन किसी आसला और सर्वोपरि जो पुलिस अफिसर को डिटेन कर जड़े लोक जी की रिलेसन निश्चित जावा किसी अवस्था नहीं कि डिटेन कर जमा पड़ी किसी निश्चित अभोग अभिशनमूलक उद्देश्य किसी था से आधार में आरेस्ट भी करा किसी असुविधा ना कि आरेस्ट नक जो बर्तन काल पेपर नीति करी गड़े दी केसटा को जहां जानी बर्तन जहां जमा पड़ी मुझे निश्चित पर सहित एकमत अच्छे निश्चित किसी सन्देह अच्छी ता छाड़ा आउ गोटे जिस क्लीयर कहि जो बर्तन जो पिस्थित बर्तन डेवलपमेंट है ये दिन गला क्राइमब्रांच पाखे से गोटे एविडेंस पाइले ना फाइनाल रिपोर्ट करा छाड़ा पाखे गोटे उपाय मत ना आप देखिए अल्प किसी दिन निश्चित क्राइमब्रांच दब कि कौन सी प्रकार मेटेरियल आसला ना घटना को चपाई दिया जीवा पाई एक उद्यम निश्चित चांद यह जानवाक चाहू जे आईन रईनजीवी और तेणु आईन रिश्रमा भितर जानवाक चाहूँ प्रकृत में ओआईसी ममता पंडा जे जहाँ थाना परिसर बा सीमा से ही अंचल नुहे से ही अंचल को आसवा गोटे आंबुलांस अटकवा जो आंबुलांस जे गुरुतर रोगी जाऊँच तसहित क्वार्टर में पहुंची से तदंत प्रक्रिय निजक सामिल करवा कौन अपराध नुहे या कौन आईन रीधा सुख उल्लंघन नुहे निश्चित देखो तो गोटे पर्टिकुलर अफिसर अच्छी गोटे एरिया अफ अपरेसन अच्छी से एरिया ही करेंगे जो अन्य एरिया को जाऊँ एटलिस्ट परमिशन नवा कथा परमिशन ना बाध्य से गोटे पर्टिकुलर एरिया थाना अच्छी थाना अन्य जाऊँगी लोकल सुपर अफिसर को जनईक जी कथा कितने जानी ना चलो ठीक अच्छे बर्तन एक्टिव हाँ सी गोटे खबर पाला रिलेसन हजबैंड मरीगला चिन्ह पर्चा हजबैंड मरीगला जिसमें जाते तुरंत गोटे करने जो आंबुलांस को रख मैंने पावर पड़े आंबुलांस को रखाला किसी रखाला आपसे तदंतर अन्य एरिया तदंत निजी को संश्लिष्ट कले तो जना पड़ी क्लीयर कट कौन गोटे अफिश मैंने उद्देश्य निश्चित खराब था और से निश्चित चाहूंगा कि इनभेस्टिगेशन टाक अनुसार वे रे कि सर्वोपरि जो रखिले आंबुलांस को मानने पावर बल लीगल पावर यूटिलाइज कर आंबुलांस अटक रखिले जो गोटे रोगी संघर्ष को जीवन मृत्यु सागे रखी तेनाली जो अफेन्स से पर्टिकुलर इश्यू से आरेस्ट जब अन्य ना आनवा भी आसपे से पर्टिकुलर इश्यू से आई निश्चित आरेस्ट होगा कथ और जो लोक आरेस्ट भी हेल्ले निश्चित बहुत जिन आता पदा को कि जाशुण की पुलिस क्राइमब्रांच आरेस्ट करूना कौन घंट घोड़ी बड़ प्रश्न पुलिस मानस किसी समय पर पुणी थे आप फिर आम सहित आम सिमुलिया प्रतिनिधि मनोज प्रधान अच्छा अधिक सूचना मनोज जानवाक चाहूँ जे ये वीडियो सामना को आसवापर पर लोकों प्रतिक्रिया कौन तक बापा खासकर अभिराम महापात्र या को नहीं कौन प्रतिक्रिया रखुंत
देखो अपूर्व पारलाखी मुंडी एसटीएफ सौम्य रंजन मृत्यु को आज को 82 दिन बीतीगलानी किंतु एपर्यंत परिवार लोक अभियोग अनुजाई परिवार लोक न्याय पाई पारे आपड़ जानते हैं पारलाखी मुंडी थाना अधिकारी गोटे मास धरी तदंत प्रक्रिया आरंभ कले और फेलियर हेला क्राइमब्रांच तदंत भार नेला कौटिना कौटी परिवार लोक मनरे सन्देह होता है पुलिस क्राइमब्रांच ठीक से तदंत करूनी और से प्रथम ही दाबी करते सीबीआई तदंत निर्देश दि जाऊ आपण जानते गत काली जे सौम्य बापा अभिराम महापात्र से हाइकोर्ट के द्वारस्थ होती सीबीआई तदंत दाबी करते आउ गोटे कथा अन्यपटे आप देखि जहाँ पूर्व पर लोक बारंबार अभियोग करुते प्रमाण नष्ट कराई पुओं को हत्या कराई समस्त प्रमाण पारलाखीमुंडी आईएसी विवेकानंद स्वई और गुरुंडी थाना वाइस ममता पंडा संपृक्ति रही है जहाँ अर्गस हाथ में जो भिड लगी स्पष्ट होती पर लोकों अभियोग सत्यता रही आम सहित अच्छा सौम्य रंजन बापा अभिराम महापात्र अच्छा सहित सीधा सड़क आम आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे आप पु को मूर्ति को 82 दिन बीतीगला कि आपय पापना अंपटे आप गत काली सीबीआई तदंत हाइकोर्ट के द्वारस्थ होती एवं जहाँ आप पूर्व अभियोग आणुते आपण पुओ को हत्या कराई षड़ प्रमाण नष्ट कराई भिडियो जना पड़ी से गुरुंडी थाना वाइसी और विवेकानंद स्वाइसी पारलाखी मुंडी आईएस से किसी जिनपत आणुच्च कहे नहीं देखो मुझे अभिराम महापात्र मोर सान पु सौम्य रंजन महापात्र आज 82 दिन है मृत्युवरण कले पारलाखी मुंडी एसटीएफ थे कि मो पु के सुसाइड की आत्महत्या करना ताकू प्री प्लान मरण कर मुख्य आसामी हूँ विद्याभारती विद्याभारती मनमत कुंभ संग्राम केसरी बेहन डांस 302 120 बी दफा लगला कौन पर क्राइमब्रांच आरेस्ट करूनी कि किसी पचार नहीं किमी ये हम आँ प्रमाण देने एमाने विद्याभारती मनमत कुंभ संग्राम केसरी बेहरा आई आई सी विवेकानंद स्वई ओ आई सी ममताराणी पंडा एमाने यही पांच जन मिसिक मो पु को हत्या करारलाखेमुंडी जिलापाल पारलाखेमुंडी एसपी आ पारलाखेमुंडी तहसिलदार पारलाखेमुंडी मेडिकल दुईज डाक्तर तेणु ये समस्ते प्री प्लान मर्डर करेतु मो पु चंदन काठ गाड़ी सीज करता प्लांटेसन जो टाँचा तार कोटी कोटी टाँचा झीप खाई विक्रम आरु को खाई आर पीए भी खाई ये जो 5G सचिव बीके पांडिया खाई ये सरकार पूरा संपुक्त तेणु ये किमी आमको पुलिस क्राइमब्रांच न्याय दब कि सरकार देवे तेणु से आम हाइकोर्ट में प्रार्थना करूँ आमको सीबीआई यदि तदंत करे आम न्याय पाइम ना ये ओडिशा सरकार कि पुलिस के क्राइमब्रांच आमको न्याय दे पारनी तेणु मुझे मीडिया मध्यम क्राइमब्रांच एडीजी को अनुरोध करुच्ची से चार्जसीट आमको तुरंत दिंतु आ आमे केस आमर आईन आश्रय लेकिन आगे मु पूर्व अभियोग करते आपण पु हत्या कला प्रमाण नष्ट करीधा स्थल आनी गुरुंडी थाना वाइस ममता पंडा और पारलाखी मुंडी आईएस विवेकानंद स्वई आप जहाँ भिडियो गोटे सामना को आते भिडियो से आंबुलांस अटकई से समय भितर घर जिनपत का कौन कहे देखो जो विद्याभारती से पुलिस आगे क्राइमब्रांच आगे कांदुची ताकूद नाज शर्म था तार बापा जो श्रीहरि पंडा हेटा गोटे नष्ट चरित्र लोक आ सीए ता झी भी नष्ट चरित्र बाप मार ठीक नहीं गुत्र आमको लुचे झील को आम पु सहित बाहर करेजी कर देखु पु आज की 82 दिन है मृत्युवरण कले विद्याभारती जा परीक्षा देते किए परीक्षा दौर सी फेर चाकरी करके आउ कौ पु बाकी मार तेणु मुझे मीडिया मध्यम गोरुंडी आमर गौड़ी गौड़ गाँ अधिवासी आउ कपटीपदा अधिवासी को अनुरोध करुच्ची ए विद्याभारती आज श्रीहरि पंडा को आपण जनसाधारण मो पु सौम्य रंजन नुहे आपण मान पु आपण मैने न्याय दिंतु तार व्यवस्था से श्रीहरि पंडा और विद्याभारती व्यवस्था आपण मैने करूँ तेणु यही जो घटना पर गौड़ गाँ कि कपटीपदार लोक आउ कई झील देवे कि आठ किए झील कहीं आणवे नहीं तेणु यही आपण मानते मुझे छाड़ दे आपण मैंने विचार करूँ स्वामी मरीगला स्त्री तार सुधिक्रिया को जोग देलानी तार बाप जो कौच मो जुई हूँ देवता तेणु ता जुई जो मरीगला तार सुधिक्रिया को आसला ना आम आम पुअर मरण पर बार द्वार बार न्यायालय दुनिया आड़े आश्रय नौ
ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ବାପ ଝିଅ ମିଶିକି ୟା ଝିଅରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାପ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି 82 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବା ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ କି ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ରକମ ଭୋଗନ୍ତୁ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ତ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କହିଲୁ ସେଇ ଯେଉଁ DFO ଅଛି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ସେ ତା ଚାକିରି କାଳର 4-5 ଜାଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଆସିଛି, 4-5 ଜାଗା ଭିତରେ ତା ନାଁରେ ଦୁନିଆ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କାଉଟର ଲୋକ, କେବେ ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ କେବେ ରହିବେନି। ମୋ ପୁଅ OAT ର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ, ସିଏ ଚାକିରି ଟ୍ରେନିଂ 2 ବର୍ଷ ନେଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି 82 ଦିନ ମଲାଳି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି। ତାର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ OFS ଅଫିସରଟେ ମଲା ତା ଘରକୁ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ଏ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ, ସିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଖାଉଛି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ଯଦି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ CBI ଟିକେ କେସ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କଲାଣି, 22 ବର୍ଷର 22ଟା ମରଡ଼ କେସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଅଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ CBI ତଦନ୍ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଆଇନ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। CBI ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ ଗୌରୀକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ, ଯଦି ନ ଦେବ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବୁ। ଓକେ, ମନୋଜ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆମ ସହିତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଯେ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବା ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଯେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କମ୍ ସେ କମ୍, ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଉପରୁ ଭରସା ହଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହିଁ ସରକାର ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନ ସଠିକ ରୂପେ ଚଳାଇବାକୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆସୁଛି ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆଧାରରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଡେରି କରାଗଲା ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସ୍ପେସିଫିକ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଫିସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ DFO ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେରିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନ କଲା, ଏବଂ ତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ବା ତା ପରିବାରବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ସେଇଭଳିଆ ଡେରି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଜବନିକା ପାସ୍ କଲା ତାଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 8-10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେ ଆଧାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ସରକାର, ଏବଂ ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ କିଛି ମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ଏହା ଭିତରେ 16ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଲାଣି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ DFOଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଗଲା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟରୁ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ କଢ଼ାଉ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 16 ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ଆସନ୍ତା ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲରେଡି ଆକ୍ସନ ନେଇ ସାରନ୍ତାଣି, ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରନ୍ତାଣି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଠିକ ହଉ ବା ଭୁଲ ହଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ଆସି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠୋସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ଆସିନି ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଠିକ ବା ଭୁଲ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ମାନେ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର୍ଲି ହଉନି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ କାହା ନାଁରେ ଆସି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ।
ଯେହେତୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ତସ୍କରୀର ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ନାହିଁ? କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆସିଛି ନା। देखो प्रथम कथा जेकोसी आपल खाली जो अभोगकार अभोग इनभेटिगेसन ता नुहे इनभेटिगेसन जहां अधिका भी बाहर जो लिंक आसला सब लिंक एक्जाम मैंने इनभेटिगेसन हवा कथा यही पर्टिकुलर इश्यू आप देखो जो अभोगकार डिजिटल प्रथम से कथा चिंता करो जो एफआईआर दिगला वाइफ डीएफओ जो ममता जो थे ओआईसी लोकल पुलिस स्टेशन नियर बाय पुलिस स्टेशन विरुद्ध में पचरापचरी दिन दिन धरी पचरापचरी करानी तेणु कौन जाना पड़ी निश्चित पुलिस प्रथम चाहिए जो घटना टाक चापी दि जाऊ निर्दिष्ट आम कह कौन मैंने प्रेसर गोटे निर्दिष्ट जोरदार लोक दमदार लोक प्रेसर अच्छी जहाँफल की बर्तमान इनभेटिगेसन प्रफुल्लित करा ना तत्पर समपरिमाण है तो बर्तन पाखापाखी गोटे कंजुरेबल टाइम हेल्ला चार्जसीट होना बर्तमान जना पड़ी और चार्जसीट हवा मैं ना फाइनाल रिपोर्ट आसो कौन एविडेंस आसला ना जो सौम्य निजे सुसाइड निजे कले जो जो डाइन डिक्लेरेशन से कहते ओके। हाईकोर्ट रे मध्य आवेदन करिसिंदे प्रार्थना करिसिंदे अभिराम महापात्र सौम्यंक बापा से किसी पॉजिटिव रेस्पोंस आसी पारे कौन आकलन करा जाउछि आकु ने निश्चित माने हाईकोर्ट तो काठरे जदि जो डिस्क्रिपेंसी गुडा आसी जोडा प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करा गला नाही मेनली तांका जो डाइंग डिक्लेरेशन टा गोटे संदेहपूर्ण पत्तारे करा जाइछि प्लस डाइंग डिक्लेरेशन जो से कहते जो मोर मृत्यु कागज पड़ला बेलू कागज पड़े 45% बर्न इंजुरी हम ना डॉक्टर को रिपोर्ट आसो आसोटे 95% बर्न इंजुरी जो लोक डाइंग डिक्लेरेशन दे पारे ना ता छड़ा जो रास्त आसला बेलू जाणी शुणी आंबुलांस को सफाई रखा है लोकल ब्रह्मपुर एमकेसी हस्पिटा नई अणाला एसपी मेडिका कलेज आगे निगला समस्त दिग को नहीं तदंत होबार आवश्यकता रही है जो परिवार लोके भरोसा रोचान राज्य सरकार क्राइमब्रांच पुलिस आईन व्यवस्था उपरू तेणु क्यों भावे न्याय मिल पार राज्य सरकार निहाती भाव ध्यान देवार आवश्यकता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मानस चांद वरिष्ठ आईनजीवी तहत आम प्रतिनिधि मनोज प्रधान सिमुलिया एने अधिक सूचना देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक प्रतिक्रिया आसू शुणा घरों की साइज छोटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब एलोटमेंट में हेरा फेरी ये सब मेरे गरीब भाइयों बहनों को भाग्य बना दिया गया था। 2014 में देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे देश की संसद में पहुंचाया। और जब हमने आपने हमें दायित्व दिया तो हमने अपना दायित्व निभाने की ईमानदार कोशिश की है। साथियों 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा, पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13,00,000 और कहां 1,13,00,000। इसमें से 50,00,000 से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। साथियों ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है लेकिन उसे घर नहीं कह सकते, लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है।
साथियों, हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी है। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। गरीबों के बैंक खातों में घर बनाने के लिए भेजी राशि कितनी है इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है,